अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। बुलडोजर ने न मस्जिद देखा, न मंदिर, न दुकान देखी और न ही मकान। जो कुछ भी अवैध था उसे गिरा दिया। जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाले एक्शन की एक एक तस्वीर आज तक के कैमरे में कैद होती रही और सबसे पहले आप तक हमने पहुंचाया। उस वक्त सुबह के करीब 10 बज रहे होंगे। पूरा का पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका था। किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं, ये सीआरपीएफ की तरफ से रैपिड एक्शन फोर्स है जिसकी पूरी तैनाती यहाँ पर की गई है। ऐसे इलाकों पर छतों से, हालांकि आजकल मोबाइल रहता है, लोग वीडियो बनाते हुए आपको दिखाई देंगे। बच्चे कई घरों में, बहुत ज्यादा डर है, भय है इस बात को लेकर कि किस घर पर बुलडोजर चलेगा। यहाँ की हम आपको दिखा रहे हैं, चप्पे चप्पे पर रिजर्व आर्म फोर्सेस की तैनाती है, यहाँ पर पुलिस की तैनाती है। प्लान ऑफ एक्शन क्या? देखिए, पुलिस का बड़ा फोकस्ड रोल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जी, और हम लोग असिस्ट कर रहे हैं जो भी एजेंसीज हैं, जैसे इस केस में एमसीडी का जो भी इंक्रोचमेंट रिमूवल प्रोग्राम होगा उसको हम लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से असिस्ट करेंगे। सिर्फ 9 एमसीडी के 9 बुलडोजर दंदनाते हुए जहांगीरपुरी पहुंचे। एक बड़ा शिकंजा कसता हुआ आप इस वक्त देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस, रिजर्व आर्म फोर्सेस और इन सब के बीच ये क्रेन्स यहाँ पर पहुंच गए हैं। लगभग 9 क्रेन यहाँ पर ऐसी पहुंच रही है, जिसकी जानकारी राजा इकबाल ने दी, जो कि मेयर है यहाँ पर नॉर्थ एमसीडी के, वो खुद यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की पूरी तैनाती है और ये क्रेन अपने यहाँ से जितनी ओबी वैन है उनको हटाने के लिए आदेश दे दिया गया। जेसीबी मशीनें अवैध निर्माण को गिराने के लिए पूरी तरह तैयार थी। ये देखिए, सबसे पहला क्रेन जो आप देख रहे हैं, आज तक इस पर वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाता हुआ, इस जो मस्जिद के सामने वाला हिस्सा है, देखिए ये मस्जिद का हिस्सा है, इसके सामने वाले हिस्से में बिल्कुल ये लग गया है। यहाँ से दिखाइए, अगर आप नीचे से दिखाएंगे, यहीं पर हम मौजूद हैं और यहीं पर अब ढहा जा रहा है। थोड़ी ही देर में बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया। झाजी की पान की दुकान तोड़ दी गई और गुप्ता जी की जूस की दुकान भी ढा दी गई। ये देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहले सांकेतिक रूप से, ये साफ है कि सांकेतिक रूप से इसे चलाया जा रहा है। ये ऐतिहासिक तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं, जहाँ पर क्रेन से, बुलडोजर से, जो यहाँ पर अवैध रूप से गाड़ियाँ या फिर जो पट्टी पर है, ये देखिए एक एक करके ये समान तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये एक एक करके यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं क्योंकि जहांगीरपुरी में इस तरह से इससे पहले कभी भी बुलडोजर नहीं चला है। बुलडोजर चलता रहा और अवैध निर्माण गिरते रहे। फिर कुशल चौराहे के कावड़खानों और कचूमर निकालते हुए बुलडोजर मस्जिद के पास पहुंचा, उसी मस्जिद के पास जहां से 16 अप्रैल को पत्थरबाजी हुई थी हनुमान जयंती पर। ये वही मस्जिद है जहां से पहली बार हनुमान जयंती पर पथराव किया गया था। ये देखिए, पहली तस्वीर है आज तक पर आप देख रहे हैं। क्रेन चल रहा है मस्जिद के सामने, मस्जिद के ऊपर उसके सामने वाले हिस्से में जो अवैध निर्माण है उस पर पहला क्रेन चल गया। ये वही मस्जिद है, ये देखिए मस्जिद आप देख रहे हैं और मस्जिद के साथ साथ जो आगे वाला अवैध निर्माण है उस सबको ढहा जा रहा है। जो मस्जिद के नीचे वाले इलाके हैं, जहाँ पर ये दुकानें बना दी गई हैं, उन सब को आज ढाते हुए नीचे गिराया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं, जहाँ पर पहली बार कार्रवाई हो रही है उस मस्जिद के खिलाफ जो यहाँ पर अवैध निर्माण है, उसको पूरी तरह से ढहा जा रहा है, उसको पूरी तरह से गिराया जा रहा है। और ये आगे वाला जो हिस्सा था वो आप देख रहे हैं, वहाँ पर बिजली भी है, अवैध तरीके से बिजली सप्लाई भी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एक्शन बंद करने का फैसला सुनाया, लेकिन एमसीडी के अधिकारियों ने फैसले की कॉपी नहीं पहुंचने का हवाला देकर कार्रवाई जारी रखी। अवैध दुकानों और मस्जिद के सामने के हिस्से को रफा दफा करता हुआ बुलडोजर आगे बढ़ा। अब बारी थी मंदिर की। यहाँ भी आरोप था कि मंदिर के आसपास अवैध निर्माण है। ये ठीक उस मंदिर के बगल की जगह है
जहाँ पर अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। ये सामने में बिल्कुल बगल में मंदिर है और उसके बगल में भी जो अवैध निर्माण है उसे भी गिराया जा रहा है। जो भी अवैध है उसको देखकर आगे वाली जगह में भी देखते हैं। ये देखिए एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है, जो अवैध है उन पर चल रहा है। ये अब सामने में वो मंदिर है, ये देखिए ये सामने में मंदिर है। बुलडोजर और पुलिसकर्मी उस गली की ओर बढ़े जहां सबसे ज्यादा उपद्रव हुआ था। महिलाएं सामने आ गई और उन्होंने रास्ता रोक लिया। इस बीच पत्थरबाजी भी होने लगी। नोटिस वगैरह दिया? कुछ भी नहीं दिया हमें, कुछ भी नहीं। हाँ तो पाइप चक्कर लगे थे। आपको पता चला था कि यहाँ पर पहले कार्रवाई के लिए आने वाले हैं, क्रेन लेकर आ रहे बुलडोजर? भी नहीं, कुछ भी नहीं बताया हमें। और मैंने पूछा हूँ एक वो मीडिया वाले से मिलेंगे, खोका तोड़ेंगे, वो कह रहे नहीं कबाड़ा हटाएंगे। मीडिया वालों को क्या पता, पुलिस वालों को पता नहीं था? एमसीडी वालों को? एमसीडी वाले आए हैं, एमसीडी वाले। मैंने पुलिस वाले सब बैठे रहते ना, उनको भी पूछा हूँ मैंने, बोला नहीं कबाड़ा हटाएंगे, ये नहीं तोड़ेंगे। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी एक्शन टीम तक पहुंच गई और कार्रवाई रोक दी गई। लेकिन सियासत भला कहां रुकने वाली थी? रोहंगे आपको जाके बसाते हैं, फिर अपने लोगों के साथ और उनके साथ में एक स्क्रिप्ट लग के खुद ही बसाया सब लोगों को जाके, और फिर एक प्री स्क्रिप्टेड तरीके से जाके गुंडई करते हैं, और बस पूरे देश का, फिर जो देश पढ़ाई लिखाई पे बात करना चाहता है, जो रोजगार पे बात करना चाहता है, जो महंगाई पे बात करना चाहता है, बस पूरे देश में फिर अफीम बोल देते हैं, बस अब केवल झगड़ों पे बात करो। ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो लोग नजायज कब्जे पहले करवाते हैं, उनमें फिर जो लोग रहते हैं वो एक खास तरह का कोई वर्ग को टारगेट नहीं किया जा रहा है। कोई भी है नजायज कब्जा करेगा, वैध कब्जा करेगा, उसमें कुछ ऐसा इतराज जो समान रखेगा, कुछ शरारती तत्व रहेंगे तो दे विल हैव पनिश्ड। जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा। देखने वाली बात होगी कि बुलडोजर का एक्शन जारी रहता है या फिर रुकता है। अंजना ओम कश्यप, दिल्ली आज तक।